नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको दिक्कत आती है स्टॉक ख़रीदने में, अगर आप पिक नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सा शेयर लेना चाहिए स्विंग ट्रेड पोजिशनल या थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि सभी निवेशकों की प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही खरीदेंगे उसके बाद स्टॉक भाव गिर जाता है और जैसे ही बेचेंगे उसके बाद बढ़ जाता है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है शेयर खरीदने में, तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ आप उसमें देख के कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से सभी के मोबाइल में मनी कंट्रोल ऐप्स ज़रूर होती है, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में मनी कंट्रोल ऐप्स नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसका एक नया अपडेट वर्जन आया है। तो अपडेट वर्जन के अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ दे दी है, जो पहले वाला जो वर्जन था उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप कोई भी शेयर खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप इसमें जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे HUL का शेयर है, हमने HUL का शेयर लिया, ये हमारे पास आ गया। पहले अगर आपके पास होगी तो एक अपडेट वर्जन है, पहले सब कुछ आ, लेकिन इन्होंने इसके अंदर एक टेक्निकल नया जोड़ दिया है, ठीक है। अगर आपको शेयर ख़रीदना है तो आपको ख़रीदने से पहले इस टेक्निकल पे आना है। अगर डाउनलोड नहीं करेंगे तो डाउनलोड कर लीजिए, और ये पहले नहीं था। अब इन्होंने जो अपडेट वर्जन निकाला इसके अंदर ये इस किसी भी शेयर का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो इसके अंदर इन्होंने अपडेट कर दिया है। तो आपको जो भी शेयर ख़रीदना है उससे पहले आप टेक्निकल पर जाइए। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा है बुलिश यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया ये बुलिश है और यहाँ पे डेली है, ठीक। तो कोई भी शेयर ख़रीदने से पहले आप मनी कम से कम और टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो मनी कंट्रोल ऐप्स में ही उस शेयर को देख लीजिए बुलिश है वो क्या है। अगर आप इसको डेली फ्रेम में देखेंगे तो ये बुलिश दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको वीकली करते हैं तो वीकली पर भी वेरी बुलिश है, और मंथली करते हैं तो मंथली पर भी वेरी बुलिश है, ठीक है। तो हमें इन 4-5 महीने या 1 साल तक के लिए जो भी लेना है, मतलब स्विंग या पोजीशन लेना है या थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए लेना है, तो हमें डेली देखते हैं। तो डेली में हम देखेंगे बुलिश ट्रेंड है। अब बुलिश के अंदर भी इन्होंने क्या क्या दौड़ा, देखो मूविंग एवरेज, तो हम मूविंग एवरेज पर क्लिक करेंगे तो इस समय 5 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है, 10 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है, 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है, 50 से भी ऊपर है, 100 से ऊपर है और 200 से ऊपर है, ठीक है। इसके अंदर 4 मूविंग एवरेज में ये बुलिश दिखा रहा है और 2 मूविंग एवरेज में ये बियरिश दिखा रहा है। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें तो RSI न्यूट्रल, MACD से बुलिश दिखा रहा है, स्टॉक एसिस्ट न्यूट्रल, ROC से बुलिश, ठीक। और इसके बाद एक और है इसमें MA क्रॉसओवर, तो MA क्रॉसओवर में भी तीनों में ये बुलिश दिखा रहा है। उसके बाद पीवट जो लेवल होता है उसके बारे में भी है, जो 3 रेजिस्टेंस है वो ये रहे 320, 2358 और 2378। अब इसके अंदर क्लासिक भी है, फिबोनाची भी है, आप जो देखना चाहे वो देख सकते हो, ठीक है। तो आप शेयर लेने की सोच रहे हैं तो उससे पहले कम से कम मनी कंट्रोल ऐप्स में जाके ये देख लीजिए बुलिश है नहीं। अगर इसकी जगह ये बियरिश दिखाता है यहाँ पे तो आप इसको नहीं लेना था, लेकिन बुलिश दिखा रहा है और आप लेने की सोच रहे हो तो उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी और स्टॉक की देख लें जो बियरिश दिखा रहा है, हम देखते हैं बजाज फाइनेंस, इस समय थोड़ा ज़्यादा नाम चल रहा है और ट्रेंडिंग में भी है, तो बजाज फाइनेंस को देखते हैं। तो बजाज फाइनेंस के हमने टेक्निकल निकाल लिए, टेक्निकल आप देखेंगे कि डेली पे वेरी बियरिश है, बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड है, वेरी बियरिश दिखा रहा है डेली पे, वीकली पे भी वेरी बियरिश, और मंथली पे न्यूट्रल दिखा रहा है। तो इसके हिसाब से अगर आप बजाज फाइनेंस में लेने की सोच रहे हैं तो अवॉइड करिए, क्योंकि वीकली पे वेरी बियरिश दिखा रहा है, डेली पे वेरी बियरिश दिखा रहा है, मूविंग एवरेज देखेंगे आप तो 6 दिखा रहा है, मतलब 6 मूविंग एवरेज हैं, सब उसे नीचे काम कर रहा है, जितने भी 5, 10, 20, 50, 100, 200 जितने भी मूविंग एवरेज है सब उसे नीचे काम कर रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर जितने भी है वो सब बियरिश दिखा रहे हैं इसको, ठीक है। MA क्रॉसओवर में 3 नेगेटिव क्रॉसओवर है, और पीवट जो पॉइंट लेवल है उन्होंने भी सब में इसके आसपास नहीं है, ठीक है। तो 2 महीने आपको दिखा दिए, आज ये ज़रूर 67 रुपये बढ़ाए, लेकिन अभी भी बियरिश है, वेरी बियरिश है। तो जो भी शेयर आप लेने की सोच रहे हैं उससे पहले मनी कंट्रोल ऐप्स में जाके ज़रूर ये देख लीजिए कि वो स्टॉक इस समय उसका ट्रेंड कौन सा है, बियरिश है, बुलिश है, वेरी बियरिश है, वेरी बुलिश है, और आप इसको डेली में, वीकली में, मंथली में, जैसा आपका टाइम फ्रेम है। अगर आप थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम है तो आप वीकली में देख लीजिए, आपका कम टाइम फ्रेम है तो आप डेली में देख लीजिए, ठीक है। हमने पहले HUL का देखा था तो बुलिश दिखा रहा था, और बजाज फाइनेंस का वेरी बियरिश दिखा रहा है। तो दोस्तों, कोई भी शेयर लेने से पहले आप इसमें ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आपकी पोजीशन बनाइए, तो मेरे हिसाब से आपको किसी शेयर के अंदर आप फंस नहीं पाएंगे। कि जो होता है ना कि खरीदते ही हमारे शेयर खरीदते नीचे गिर जाता है या बेचते ही बढ़ जाता है, वो आपके साथ होगा नहीं। और क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत बड़ा है, आपको दिक्कत आती है यूज़ करने में या आप समझने में, तो सीधा सीधा
उस स्टॉक पे जाके आप टेक्निकल में जाके देख लें कि भाई वो बुलिश है बियरिश, अगर बुलिश दिखा रहा है तो आप खरीदिए, और बियरिश दिखा रहा है तो बिल्कुल उस स्टॉक से दूर रहिए। जैसे अब बजाज फाइनेंस का वेरी बियरिश, बहुत ज़्यादा बियरिश है, तो आप बिल्कुल मत सोचो उसको खरीदने की। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।